हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको जो UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भर्ती आई है उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से जो आपका पेपर आ उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कट ऑफ कितनी जाएगी, सबसे मेन पॉइंट है बच्चों का कट ऑफ कितनी जाएगी और लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी और लास्ट टाइम वैकेंसी कितनी थी, इस बार वैकेंसी कितनी है, मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल पर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें जिसमें आपको मैं जानकारी देता रहूँगा आपके एग्ज़ाम के कट ऑफ के और पैटर्न के बारे में। तो आइए देखते हैं कुल पद कितने हैं इस वैकेंसी में, 1033। अब मैं आपको लास्ट टाइम की वैकेंसी दिखाऊँगा, 2017 में जो भर्ती हुई थी वो दूसरे नाम से हुई थी, ये दूसरे नाम से है लेकिन जो भी उसमें सिलेबस था उस भर्ती में जैसा सिलेबस फॉलो किया गया था, जो पैटर्न फॉलो किया गया था, सेम पैटर्न इस भर्ती में भी फॉलो किया जाएगा। तो ये है वो भर्ती का, देख लीजिए आप नोटिफिकेशन जो लास्ट टाइम आई थी 2017 में। इसमें कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट के पद कितने थे, 2296, और पैटर्न परीक्षा का यही था, दो भाग में परीक्षा होगी, पहला कंप्यूटर और दूसरा बाकी के सब्जेक्ट, और 20 नंबर कंप्यूटर टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, वैसा ही पैटर्न सेम इसमें फॉलो किया गया था और वैसे ही पूरी भर्ती प्रक्रिया की गई थी, बस पद ज़्यादा थे उस बार, इस बार पद कम हैं। तो मैं दिखा देता हूँ उस बार इस प्रक्रिया में कट ऑफ कितनी लगी थी, ये ऑफिशियल कट ऑफ देख लीजिए, ये उस बार की ऑफिशियल कट ऑफ है जिसमें अनरिजर्व 152 और ये टाइपिंग हो जाने की बाद की कट ऑफ है। ठीक है, टाइपिंग हो जाने से पहले अनरिजर्व की कट ऑफ 132 लगी थी। ओके, तो 132 में फिर टाइपिंग के नंबर जुड़े और ये कट ऑफ 152 पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की लगी थी 143, एससी की लगी थी 104, एसटी की लगी थी 65, एक्स सर्विसमैन की लगी थी 58, डीएफएफ की 77 और पीएच की 103। ये सारी कट ऑफ उस बार लगी थी जब भर्तियां 2296 थी यानी 2300 पद पे भर्ती हुई थी और इसी पैटर्न को फॉलो किया गया था, तो ये कट ऑफ रही थी। अब इसी बात को आधार मानते हुए परीक्षा की डिफ़िकल्टी बढ़ी है और वैकेंसी कम है इस बार, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको किस पैटर्न को फॉलो करके अभी से तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है वो, और वीडियो अगर अच्छी लगे और मैं जो बता रहा हूं वो चीज़ें आपके काम की हों तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी ये है तरीका तैयारी का, मेरे अनुसार जो मैं बता रहा हूं कि आप किस तरीके से पेपर को निकाल सकते हैं इस बार क्योंकि कट ऑफ हाई लगने वाली है। तो सबसे पहले आप हिंदी में जो आपका स्कोर है वो 45 करें, माइनस मार्किंग है इसमें 1/4 की, हिंदी में 45 का स्कोर करें जिसमें कुल 55 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आप उन 55 में से 45 केवल सही कर लेंगे या सही गलत पूरे 55 कर लेंगे लेकिन 45 कटने के बाद भी आपके बच जाएंगे, ये आप पर है लेकिन 45 आपको चाहिए ही। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आपको 42 चाहिए। ठीक है, ये 55 नंबर की आ रही है और यहाँ पर मैंने 8, 5, 13 नंबर छोड़ दिए हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हम, और बाकी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के तो 42 आपको चाहिए। बाकी अगर आप कहते हैं हिंदी मेरी बहुत अच्छी, हिंदी में 50 कर दूंगा, तो यहाँ 42 नहीं कर पाते कोई बात ना, यहाँ उतना कम कर लीजिए, यहाँ बढ़ा लीजिए, मैं जो एक एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपके सब्जेक्ट तैयार होते हैं। बाद आई रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है जिसमें 37 आपको चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी कट ऑफ हाई रहेंगी उनके लिए पैटर्न बता रहा हूँ, अगर वो इससे लूज करते हैं नीचे जाते हैं इस लेवल की तैयारी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सेलेक्ट होना। ठीक है, और जीएस 25 नंबर की आएगी, 18 मान लीजिए, अगर जीएस बहुत अच्छे लेवल की आई तो कट ऑफ खुद नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर नॉर्मली जीएस आई तो आप 18 मान लीजिए, इससे कम करेंगे तो फिर आप डाउटफुल में आ जाएंगे। अब ऐसे आपने कुल कितने कर लिए, आप जोड़ लीजिए, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 8, 22, 22 का 2। ठीक है, कैरी हुए 2, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11, 1, 12 और 2 कैरी 14, यानी कितने हो गए 142, और 20 नंबर टाइपिंग में आप लेकर आए। ठीक है, 142 और 20 कितने हो गए 162, और यही एक्चुअल कट ऑफ हो सकती है इस बार जनरल की, और इससे थोड़ा नीचे ओबीसी की है और उससे काफ़ी नीचे जाएगी,
एससी वगैरह की, तो मैं अगले स्लाइड में आपको वही दिखाने वाला हूँ कट ऑफ क्या हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो जनरल और ओबीसी के बच्चे ये फॉलो कर पाएंगे, इतने इतने नंबर ला पाएंगे, वो सेफ होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ है और वैकेंसी काफ़ी नहीं है, 1000 ही वैकेंसी है इस बार। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या हो सकती है कट ऑफ इस बार। तो देख लीजिए, इस बार ये कट ऑफ हो सकती है 157 से 162, जो मैंने तरीका बताया है उतने उतने क्वेश्चन आप करेंगे तभी आप 160 के आसपास पहुंचेंगे। उसके बाद 150 से 55 ओबीसी, 148 से 50 ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बाद वाले जो हैं वो ज़्यादा टेंशन ना लें, वो रिटर्न में ठीक ठाक नंबर लाते हैं, टाइपिंग में नंबर नहीं लाते हैं तब भी पास, या रिटर्न में नंबर कम लाते हैं, टाइपिंग में 20 नंबर लाते हैं, 120 के करीब पहुंच जाते हैं तो भी पास। आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? पहला, कंप्यूटर के एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है, दूसरा, हिंदी टाइपिंग में फेल नहीं होना है, और तीसरा, कम से कम 100 नंबर के आसपास प्रयास करके पहुंचना है, बाकी की जो भी कैटेगरीज हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अलावा उनको। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? कंप्यूटर के एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है, हिंदी टाइपिंग में फेल नहीं होना है। उसके बाद ठीक ठाक एग्ज़ाम आप कराते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग यही एक तरीका है और यही पॉसिबल कट ऑफ हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, जो भी आपको डाउट है कमेंट में लिखिए, जो चीज़ अच्छी ना लगी हो वो भी कमेंट में लिखिए, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चैनल पे मैं आपको बहुत कुछ दे पाऊँ जो आपके काम का है, जो आपके डाउट्स को क्लियर करता है हर परीक्षा के लिए, खास करके जो स्टेट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।